तो गाइस आज हम रिव्यू करने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी ए 225G फ्रेंड्स, जो कि सैमसंग का ये सीरीज़ में पहला फ़ोन 5G लॉन्च हुआ है, जो कि आपको 20,000 के अंदर में मिल जाएगा फ्रेंड्स। इस फ़ोन का लुक देख रहे हैं आप, कितना गॉर्जियस टाइप में है ये। इस बार बहुत ही परफॉर्म किया कंपनी ने, बहुत ही ख़तरनाक फ्रेंड्स। अब इसके फीचर्स में आते हैं हम, तो इसके फीचर्स जो है सबसे पहले कैमरे के ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो इसका कैमरा जो है आपको फ्रेंड्स, जो फ्रंट कैमरा मिल जाता है, फ्रंट और रियर कैमरे की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो इसमें आपको मिल जाता है फ्रंट कैमरा 8MP का मिल जाता है फ्रेंड्स, जो कि आपको मिल जाता है f2.0 मिल जाता है। इसमें मेन कैमरा जो फ्रेंड्स, रियर कैमरा जो आपको मिलता है मेन कैमरा, वो मिल जाता है 48MP का कैमरा मिल जाता है, जिसमें आपको मिल जाता है f2.8 मिल जाता है। और ये जो कैमरा फ्रेंड्स, डेप्थ कैमरा आपको मिल जाता है 2MP का, जो कि सिर्फ और सिर्फ f2.4। और इसमें अल्ट्रा वाइड कैमरा मिल जाता है, ये आपको अल्ट्रा वाइड कैमरा मिल जाता है 5MP का, जो कि f2.2 है फ्रेंड्स। इसमें डिस्प्ले की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो इसमें डिस्प्ले आपको 6.6 इंच का मिल जाएगा, साथ में 90Hz का रिफ्रेश रेट मिल जाएगा, और फुल एच डी डिस्प्ले है। इसका रिजोल्यूशन जो है फ्रेंड्स, वो है आपको मिल जाता है 1080x2408 मिल जाता है फ्रेंड्स इसका रेजोल्यूशन। तो अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, इसके साथ में हम इसकी बैंड की बात करते हैं फ्रेंड्स। तो इस बार इस कंपनी में आपको मिल जाएगा 5G 11 बैंड मिल जाएगा फ्रेंड्स, 11 बैंड का सपोर्ट मिल जाएगा। तो अब इसमें चिपसेट जो है फ्रेंड्स, यानी कि प्रोसेसर जो है, वो इस बार कंपनी अपने एग्जीनस प्रोसेसर को न दे करके इसमें आपको मिल जाएगा मीडियाटेक डायमेंसिटी 700 फ्रेंड्स। क्या मिल जाएगा? 700, वो भी 5G प्रोसेसर फ्रेंड्स, जो कि 7nm का, यानी कि 7nm पे चिपसेट है फ्रेंड्स। अब इसके साथ और ये फ्रेंड्स, ये 5G प्रोसेसर तो है ही, साथ में आपको मिल जाएगा ओक्टा कोर प्रोसेसर फ्रेंड्स। अब इसके साथ में बात करते हैं फ्रेंड्स इसकी मेमोरी की और स्टोरेज की, तो ये आपको 8 और 6GB रैम में मिल जाएगा, 8 और 6GB रैम में, और साथ में 128GB रोम मिल जाएगा फ्रेंड्स। इसमें एक्सपेंडेबल हम बहुत ही ज़्यादा कर सकते हैं फ्रेंड्स, जो कि इस कंपनी ने इस बार बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है, और वो है फ्रेंड्स यानी कि 1TB तक हम इसे एक्सपेंडेबल करके लगा सकते हैं, और माइक्रो एसडी कार्ड लगा सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, इसमें आगे हम बढ़ते हैं, अब देखते हैं इसके साथ में इसकी प्राइस की बात करें, तो इसकी प्राइस आपको सिर्फ और सिर्फ 19,000। मैंने बताया था पहले ही कि ये पहला फ़ोन है सैमसंग का जो कि 20,000 के अंदर में मिल जा रहा है, वो भी 5G फ्रेंड्स। तो इसका फ्रेंड्स प्राइस है सिर्फ 19,999 रुपीज़ फ्रेंड्स। ये फ़ोन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां से आसानी से बाय कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी फ्रेंड्स। अब इसके साथ बैटरी की बात करें फ्रेंड्स, तो इसमें आपको बैटरी मिल जाता है 5000 mAh का, साथ में 15W का चार्जिंग मिल जाता है फ्रेंड्स। क्या मिल जाता है? जो कि बहुत ही अच्छी है, जो कि कंपनी के लिए अच्छी है, गेमिंग के लिए भी बोले फ्रेंड्स, तो ये फ़ोन आपको गेमिंग के लिए बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेगा, क्योंकि इसमें 5G प्रोसेसर है। गेमिंग आप हाई लेवल तक कर सकते हैं, अल्ट्रा तक कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि 11 बैंड का सपोर्ट है आपको मिल जाता है, और साथ में मीडियाटेक डायमेंसिटी प्रोसेसर मिल जाता है आपको 700, वो भी 5G प्रोसेसर है फ्रेंड्स। अब इसमें बात करें फ्रेंड्स ओएस की, ओएस तो आपको मिल जाता है फ्रेंड एंड्रॉयड ओएस सपोर्ट, एंड्रॉयड सिस्टम का मिल जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का सपोर्ट मिल जाता है आपको, एंड्रॉयड 11.0 मिल जाता है फ्रेंड्स, V11.0। और इसमें फ्रेंड्स जो होता है वो इसमें मिल जाता है 1 UI 3.0 मिल जाता है, नहीं 3.1 मिल जाता है जो फ्रेंड्स यू आई फ्रेंड्स ज़्यादातर रियलमी फ़ोन में यूज होने वाला UI, ये चिपसेट है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि इस बार सैमसंग में देखने को मिला है। सैमसंग में देखने को दो चीज़ चेंजिंग मिली फ्रेंड्स, जो कि एक जीनस प्रोसेसर को छोड़ करके इसने मीडियाटेक डायमेंसिटी 700 5G प्रोसेसर का यूज़ किया है, और इसमें MIUI को छोड़ करके इसमें UI 3.1 प्रोसेसर का, यानी कि एंड्रॉयड सिस्टम का, ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ किया गया है। इसकी टोटल वेट की बात करें फ्रेंड्स, तो इसकी टोटल वेट जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपको मिल जाएगा 203 ग्राम फ्रेंड्स, 203 ग्राम में। हाथ में पकड़ने के बाद थोड़ा गॉर्जियस फील होगा, बहुत ही अच्छा फील होगा, और इस फ़ोन का जो लुक देख रहे हैं, इस फ़ोन से आप किसी को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। इस फ़ोन में इतना दमदार इस बार परफॉर्मेंस है, क्योंकि बहुत ही ख़तरनाक है। ये आपको मेन कैमरा मिल जाता है 48MP का, ये तो आप जान ही रहे हैं, डेप्थ कैमरा 2MP का, और ये जो है आपको 5MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा, और ये फ्लैश है फ्रेंड्स। तब इसमें फ्रेंड्स इसकी
तो इसी के साथ अब हमारा जो है रिव्यू का कार्यक्रम समाप्त होता है। तो बने रहिए एंड तक, यानी कि एंड तक तो आपने देख लिया, तो अब जब एंड तक देख लिया है तो साथ में लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलना, क्योंकि इसी तरह के रिव्यूज़ वीडियो हमारे चैनल पे हमेशा आते रहते हैं।